नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पत्रकार साथी कृष्ण कुमार। ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गरियाबंद शहर में हो रहे धरना प्रदर्शन की। गरियाबंद जिले नगर पालिका के पालिका अध्यक्ष गप्फू मेमन कल से धरने पर बैठे हुए हैं। उनका दावा है कि स्वास्थ्य विभाग की सुविधाओं का लाभ गरियाबंद के लोगों को नहीं मिल रहा है, और अब उनका ये भी दावा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक उनका यह धरना जारी रहेगा। आखिर क्या है उनकी मांगे और कितना जायज़ या नाजायज़ है उनका ये धरना प्रदर्शन? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्यों ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। तो मैं बताना चाहूँगा कि कल गरियाबंद जिले में एक के बाद एक तीन घटनाएँ हुई, सड़क दुर्घटनाएँ, जिसमें एक पिकअप वाहन पलट गया और उसमें लगभग 15-20 जो व्यक्ति थे वो घायल हो गए। एक बोलेरो पलट गई जिसमें 5-6 लोग थे वो भी घायल हो गए। एक बाइक से दो लोग गिर गए जो वो भी घायल हो गए। मतलब कल कम से कम 25 से 30 लोग गरियाबंद के घायल हो गए थे, जिन्हें एम्बुलेंस की सुविधा की ज़रूरत थी, लेकिन 108 या कोई एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। लोगों को अपने पैसे से अपने निजी वाहन करके सरकारी अस्पताल आना पड़ा। समस्या यहीं ख़त्म नहीं हुई। केवल एक डॉक्टर के भरोसे पूरा इलाज चलता रहा, जबकि गरियाबंद में डॉक्टर की संख्या है, हालांकि पर्याप्त तो नहीं है लेकिन ज़्यादा डॉक्टर हैं, लेकिन एक डॉक्टर के भरोसे इलाज चलता रहा। इनमें से 5 लोगों की हालत ख़राब हो गई थी, तो इनको रायपुर रेफ़र किया गया, और रायपुर भी जो इनको रेफ़र किया गया वो अपने पैसे से किया गया। तब भी एम्बुलेंस की सुविधा इन लोगों को नहीं मिली। जब गप्फू मेमन को इस बात की जानकारी लगी, जो गरियाबंद नगर पालिका अध्यक्ष हैं, वो काफ़ी नाराज़ हुए और अपने समर्थकों के साथ तत्काल वो जिला अस्पताल पहुंचे। वहां की व्यवस्था देख करके वो एक बार उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की और फिर वहीं धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक यहाँ की व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होंगी तब तक उनका यह धरना जारी रहेगा। रात में भी वो धरना स्थल पर ही सोए। पूरी रात उन्होंने वहीं, जो उन्होंने पंडाल लगाया हुआ था, अपने समर्थकों के साथ वहीं रात बताई। और आज शहर के लोगों ने शहर बंद करके उनको समर्थन दिया है, क्योंकि ये जनहित से जुड़ा मामला था। इलाज सभी को ज़रूरत है, अमीर हो या गरीब हो। अमीर भले ही प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा सकता है, लेकिन गरीब के लिए सरकारी अस्पताल ही एक जीवनदायिनी होता है, और जब उसको सही इलाज नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं उसके मन में आक्रोश होता है। और यही एक कारण है कि आज गरियाबंद शहर के लोगों ने खुद अपनी दुकानें बंद की, सस्फूर्त दुकानें बंद की, और वो उनके समर्थन में धरने पर आए। कल 3 बजे से हम लोग 8 बजे तक जिला अस्पताल के पास बैठे हुए थे। उसके बाद 8 बजे उठकर पूरी रात हम तिरंगा चौक में धरना दिया, और अभी हमारा धरना कंटिन्यू चालू है। अस्पताल की लाचार व्यवस्था को लेकर यह धरना दिया जा रहा है। गरियाबंद जिला अस्पताल में कोई भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। कल जो एक्सीडेंट हुआ, 3 एक्सीडेंट हुआ, उसमें 40 लोग जख्मी हुए, जिसके इलाज के लिए मात्र एक डॉक्टर थे, ना एम्बुलेंस था ना कुछ नहीं। 108 जो है 2 महीने से खराब है। आज गरियाबंद पूर्णतः बंद है, उस हॉस्पिटल की लाचार व्यवस्था को लेकर, और स्वयं सब लोग अपने घर से उठ उठ कर आकर समर्थन दे रहे हैं, और अपने मन से पूरी गरियाबंद पहली बार हर गली मोहल्ले में एक एक दुकान बंद है। कौन बंद कराए? हम लोगों ने कल अनाउंस कराया था और समर्थन मांगा था, उन्होंने चलकर हमें समर्थन दिया। इसके लिए हम गरियाबंद वासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नगर पालिका गरियाबंद की तरफ से। कब तक के धरना प्रदर्शन? यह अनिश्चितकालीन धरना रहेगा, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी ये धरना जारी रहेगा। अब देखने वाली बात यह है, या सबसे अहम बात यह है, कि उनका यह धरना कब तक चलता है और उनकी जो मांगे हैं स्वास्थ्य विभाग को दुरुस्त करने की, जिसमें डॉक्टरों की यहाँ पर कमी है वो पूरी करनी है, एम्बुलेंस की जो यहाँ पर पुराना खटारा एम्बुलेंस है उसको दुरुस्त करना है, और भी जो दूसरी दवाइयों की बातें हैं, तो ये उनकी मांगे कैसे पूरी होती हैं, कब तक पूरी होती हैं, और उनका यह धरना कब तक चलता रहेगा, ये सब देखने वाली बात होगी। अभी हम आपको बता दें कि उनका धरना कल से जारी है, और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक उन्होंने धरना जारी रखने की बात कही है। तो आगे भी हम इस मामले में आपको अपडेट देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, जल्दी किसी समाचार के साथ फिर मैं आपके बीच हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।